बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है भाई कि बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट साल भर से ज्यादा हो गया वर्दी पहन के, तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है यार। अपना काम ही होता है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ तो फाइनली दोस्तों आपको मेन बताना था कि जब आप लंबे टाइम तक मेडिकल लीव पे रहते हो, उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो आमद कराने के लिए, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। और मैं ओवरऑल दिखाऊंगा, मैं ऑफिस के बारे में बता सकता हूं बट दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा ताकि आपको इन फ्यूचर ये सब, तो भाई सबको जरूरत है, कभी भी पढ़ सकता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो बस यही बताना था, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपनी बहुत लंबे मेडिकल लीव के बाद, ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया था मेडिकल लीव के बाद, ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस की थी। तो आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या क्या ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस था मेरा। पहले मैं गया अपने जो जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर DIG सर बैठते हैं, उनके पास गया, लेटर लेकर गया कि मुझे आमद करानी है। मैं इतने लंबे तक मेडिकल लीव पे था, अपना जितना भी मेडिकल का डिस्चार्ज उस्चार्ज जो भी कागज़ था सब कुछ, लास्ट जो डॉक्टर की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है आपको, डॉक्टर जब लिख देगा अलाउड फिट फॉर ज्वाइन ड्यूटी तभी आप उसको लेकर जाओगे। वो जाते हैं वहाँ पे, चेक होता है, वो चेक करते हैं, उसके बाद मुझे भेज दिया गया। उन्होंने लेटर पे लिख दिया कि आप RI से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, आमद RI करें। तो उसके बाद मैं वो लेटर लेके पुलिस लाइन में आया, पुलिस लाइन में अपना आमद कराया, RI सर से मिला, GD में अंकित कराया। तो अब मेरी फिलहाल करेंटली पोस्टिंग पुलिस लाइन में, पुलिस लाइन से ड्यूटी लगती है, मैं अपने बारे में बता भी दिया हूँ। तो ये सब मेन एक बेसिक चीज़ होती है, आपको मैंने बता दिया कि लंबे तक मेडिकल लीव पे रहने के बाद क्या क्या एक प्रोसेस होता है, आपको जानना जरूरत है। बहुत खुशी हो रही है भाई कि भले अभी किसी भी कंडीशन में हूँ लेकिन अपने पैर पे चल तो रहा हूँ, कम से कम ड्यूटी ज्वाइन तो कर रहा हूँ, इतने लंबे समय के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वर्दी पहन के भी बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद मैं बताऊंगा इसके बाद का प्रोसेस कि पुलिस लाइन से मैं सोच रहा हूँ किसी और सेल डिपार्टमेंट, किसी ऑफिस में कराने का, तो उसका भी क्या प्रोसेस है, क्योंकि मेरी जो जॉब है 2-2.5 साल से ऊपर हो चुकी है, तो इसलिए मैं करा सकता हूँ और इस कंडीशन में भी है तो उम्मीद है कि कराया जा सकता है। ये बेसिक आइडिया था। आपको एक और वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो जानने की ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बता दूंगा कि मेडिकल लीव के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल लीव लंबे समय के लिए है, 2 महीना 4 महीना 6 महीने, या फिर मेरे जैसा है कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़ें 30 साल की नौकरी है कभी भी काम आएगा आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी इस डिपार्टमेंट में है हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि मेडिकल पे अगर आप हैं इतने लंबे समय के बाद कहाँ क्या कागज़ दें, कैसे क्या करें। आप हर महीने अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्टर्स दिखा रहे हैं, आप बाई पोस्ट करते रहिए अपने अधिकारी को, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। आप इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहिए कि मैं अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, ये सब चीज़ें। तो यही बेसिक जानकारी थी आपको देनी थी कि मैं पहले अपने जो उच्चतम अधिकारी है मेरे, जहाँ पे होता है, जैसे आप छोटे जिले हैं तो वहाँ पे SP साहब के पास पेश होना पड़ता है, कप्तान साहब के पास पेश होंगे, वो करेंगे, हमारे यहाँ DIG साहब करते हैं। तो उसके बाद फिर पुलिस लाइन में पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग से अब उसके बाद आगे करना होता है, काउंटिंग होती है, डेली जाना पड़ता है काउंटिंग। मतलब ये बेसिक आपको बताना था कि ये सब प्रोसेस होता है। इसके बाद का प्रोसेस जो होगा मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। जय।